हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ये चक्री वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसी में आज आपको 40 फंदे से बनाना बताऊंगी। 40 फंदे में बहुत ही बड़े साइज में बनके तैयार हो जाएगा, अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो। और ऊन से बनाएंगे तो ये थालापोश के साइज के बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस डिज़ाइन से डोरमेट, टेबल मेट, थालापोश कुछ भी अपने आवश्यकता अनुसार इसे बना सकते हैं। इसे 40 फंदों में बनाने की रिक्वेस्ट आई थी तो आज मैं इसे बता रही हूँ आपको। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये जो बनाई हूँ मैं, ये छोटे साइज में बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही आप बड़े साइज में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को सीखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते, देख लेते कैसे बना है। ये डिज़ाइन 40 फंदे का है, जिसमें से 30 फंदे से हम लोग ये मल्टी कलर से फंदे लेंगे, बाकी जो बच जाएंगे 10 फंदे उसे हम लोग ब्लैक कलर से फंदे लेंगे। तो इस तरह से हम लोग फंदे ले लेते हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदे लेने आते हो आप ले सकते हैं। और बाकी बचे जो 10 फंदे हैं उसे ये ब्लैक कलर से ले लेंगे। ये 10, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हम 40 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन पहले ही लाइन से शुरू हो जाती है, तो ये पहला फंदा में हम लोग एक फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पहले फंदे को इस तरह से दो बार बिन करके फंदा बढ़ा लेंगे। वैसे अगर आपको कोई और तरीका भी आता है फंदे बढ़ाने का तो आप उस तरह से भी यहाँ एक फंदा बढ़ा लें। तो देखिए इस तरह से यहाँ मैं एक फंदा बढ़ा ली। अब ये धागा सामने ले आऊँगी, बाकी को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनूंगी। तो यहाँ हम लोग ब्लैक कलर में 10 फंदा रखे थे तो 10 फंदा ही बिनेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ, इसे गिनते हुए गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए, और ये जो एक फंदा रह गया इसे अब हम लोग मल्टी कलर से बिनेंगे। तो इस तरह से एक बार लपेटते हुए इसे बिन लेंगे, बाकी को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत में जाएंगे। तो देखिए इसे बिनते हुए ये अंत तक आ गए हैं। अंत में यहाँ पे हम लोग इसमें 3 फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे जो रह गए इन्हें छोड़ देते हैं, यहीं से धागा को पलट देते हैं। इस साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बिनते हुए एकदम यहाँ बॉर्डर पे चले जाएंगे। ये देखिए मल्टी कलर वाले फंदे तो बिन लिए, अब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ये देखिए। तो इसे अब हम लोग पीछे कर देंगे और ब्लैक वाला जो धागा है उसे सामने ला करके बाकी बचे हुए फंदों को बिनेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में, ये देखिए। अब फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले लाइन में तो हम बताए एक तरीका फंदे बढ़ाने का, अब ये दूसरे लाइन में देखिए एक और तरीका बताते हैं आपको फंदे बढ़ाने का। तो इस तरह से कांटे पे एक बार और लपेट लेंगे और यहाँ इस तरह से इसे बिन देंगे। फिर यहाँ एक फंदा ये देखिए बढ़ गया। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे फंदे यहाँ पे एक बढ़ा लें। तो देखिए ये 2 हो गए, फिर से 10 फंदे बिनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए 10 फंदे बिन लिए, अब ये बाकी को एक फंदा जो रह गया उसे मल्टी कलर से बिन देंगे। बाकियों को फिर से इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत में जाएंगे और अंत में फिर से 3 ही फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिन लेते हैं इसे।
ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए अंत में। अंत में फिर से ये तीन फंदे छोड़ देते हैं, यहीं से धागा पलट देते हैं, वापस सीधी साइड से बिनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे दो लाइन बनाए जिसमें दो फंदे बढ़ाए हैं। ऐसे ही हम लोग को और आठ फंदे बढ़ाना, मैंने मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम लोग 10 फंदे सामने में बढ़ाना है और इधर से तीन तीन फंदा छोड़ते हुए 30 फंदे तक छोड़ना है। तो इतना कर लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ, उसके आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए, ये 10 लाइन बना लिए जिसमें 10 फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 10 फंदे हम लोग यहाँ बढ़ाए थे उन्हें अब हम लोग एक साथ इसे बंद कर देंगे। तो जैसे हम लोग डोरमेट कंप्लीट होता है तो फंदे बंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग फंदे बंद करेंगे। इस तरह से यही तरीका ही है फंदे बंद करने का। तो दो दो फंदे को साथ में लेकर के बिन देंगे और फिर जो ये फंदा आएगा उसे इसी कांटे पे करेंगे, फिर से सेम तरीके से इसे बंद कर लेंगे इसी तरह से। तो 10 फंदे यहाँ बंद करने हैं। तो दो हो गए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। तो ये वाला जो फंदा है उसे अब हम लोग इस वाले कलर से बंद कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए 10 फंदे बंद हो गए। अब यहाँ से 10 फंदे बीनेंगे इसी कलर से। तो ये इसे गिनते हुए 1, ये 2, साथ में जो ब्लैक कलर है उसे इस तरह से लपेटते हुए बीनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए अब बाकी जो बचे हैं इधर में जो 30 फंदे रह गए उसे हम लोग ब्लैक कलर से बीनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए अंत में आ गए, इस लाइन में सारे ही फंदे बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए सीधी साइड में भी जहां पे जो जैसा कलर है वैसे बीनते हुए यहां तक बीन लेना है। ये वाला फंदा हमेशा उठा लिया करना है। ये देखिए जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही इसे एकदम ऊपर तक बिन लेंगे। इसी के साथ ही इसकी एक कली कंप्लीट है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। फिर से हमारे कांटे पे ये 40 फंदा हो गया। अभी इस बार लेकिन ये ब्लैक वाला 30 फंदा है और ये मल्टी कलर वाला 10 फंदा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से जैसे यहाँ पे पहला लाइन में फंदे बढ़ा रहे थे वैसे ही फंदे बढ़ा लेने हैं और यहाँ से 10 फंदे ही बिननी है। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1, 10 और फिर इसे ब्लैक कलर से बदल देना है इस तरह से। फिर बाकियों को ब्लैक कलर से बीनते हुए जाना है और अंत में 3 फंदा छोड़ देना है। तो यहाँ तक बीन लेते हैं, सेम प्रोसेस के साथ करेंगे जैसे पहले लाइन में किए थे। फिर से यहाँ 10 फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे और फिर 11वें लाइन में जैसे यहाँ घटा दिए वैसे ही घटा देंगे और इधर का धागा को इधर कर देंगे और इधर का धागा को ऊपर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए अंत में। अंत में यहाँ पे ये 3 फंदा छोड़ देते हैं, इसे धागा को पलट देते हैं सीधी साइड में वापस जहाँ पे जो जैसा कलर है उसे बिनते हुए यहाँ तक कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा लेंगे और ये ब्लैक में से 30 फंदा छोड़ देंगे। 11वें लाइन में फिर से जैसे यहाँ फंदे बंद किए, बिल्कुल वैसे ही उसमें भी फंदे बंद कर लेंगे। इसी तरह से इसे करते जाना है। एक बार इस कलर को ऊपर कर देंगे और एक बार ब्लैक कलर को ऊपर कर देंगे। तो ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लेना है गुलाई में।